इस साल अनयूजुअली बहुत ही हॉट सीज़न है, समर सीज़न, और जो मानसून नॉर्मली जून एंड पे आ जाते हैं वो नहीं आया। एज ए रिज़ल्ट हमारा जो डिमांड है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। आज दे दिन भी असी इंडस्ट्री नो पावर रेगुलेट किया, फिर भी 13,600 मेगावाट क्रॉस कर चुके हैं। इस तरह का डिमांड पहले कभी नहीं देखा। पहले नॉर्मली होंगे सी 12,500 चले जाते, कभी कभी एक आधा दिन 13,000 क्रॉस करते हैं। सो ये देखते हुए असी कुछ रेगुलेशंस इम्पोज किया। सरकारी दफ्तर 8 से लेके 2 बजे तक, कुछ इंडस्ट्री नो वीकली ऑफ दिता 2 दिन वास्ते। सिमिलरली सरकारी दफ्तरां विच अपील भी किया कि आप एसी ना यूज़ किया जाए। इस तरह का अपील असी किया। सो एज ए रिजल्ट जो 15,000 16,000 डिमांड जाना सी, नाउ आज दे दिन 13,600 है। कल रात से हमारे को काफ़ी रिलीफ मिला है। कल रात से मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पावर कट असी डोमेस्टिक सेक्टर दे विच बिल्कुल नहीं लगाया, और खेतीबाड़ी सेक्टर दे विच भी असी लगभग 8 घंटे बिजली देने में भी सफलता हासिल किया। सो कुछ प्रॉब्लम्स ये भी है कि लोड बहुत बढ़ रहे हैं, लोग एसीस काफ़ी चला रहे हैं बिकॉज़ गर्मी बहुत है। उस देखते हुए कुछ ट्रांसफार्मर्स भी बहुत बड़ी मात्रा दे विच फ्यूज़ हो रहे हैं। सो वो रिपेयर करने वास्ते भी सारे मुलाजम पूरा दिन रात लगे हैं, पर क्योंकि इतने ह्यूज क्वांटिटी दे विच ओवरलोडिंग हो रहे हैं, खास करके वे अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, उतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पर एम्प्लॉयज़ भी पीछे स्ट्राइक सी, कल सीएम साहब ने अपील किया, सो नाउ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग। आज दे दिन मेरे के पास तो कोई इस तरह का ह्यूज कंप्लेंट्स नहीं है। आज सवेरे भी साढ़े डायरेक्टर्स और जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नाल भी मीटिंग किया। आज 2 बजे भी फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी एक्सीएंस एससीस नाल भी मीटिंग किया। वी आर हियर टू सॉल्व द पंजाब के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। साढ़े 90 लाख कंज्यूमर्स हैं। हमारा यही कोशिश है कि उनको एक क्वालिटी पावर दे। सर बारिश नाल भी फायदा होने जा रहा है, बारिश हाँ जी, बारिश दे नाल ही मेन रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आज दे दिन असी 3,000 मेगावाट बाहर से खरीद रहे हैं। असी ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत डिमांड बढ़ चुके हैं। बारिश दे नाल मेरे ख्याल से तो ये डिमांड काफ़ी घटेगा। सर एक जमीनी स्तर नाल सवाल है, जो रात को लाइट चली जाती है लोग कहते हैं कोई गल नहीं लाइट चली गई कोई गल नहीं अभी तैयार हैं, लेकिन सर महकमे के फोन नहीं सुनते, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का 10 दिन ही कब तक लाइट आएगी, इस लैके लोग काफ़ी नाराज ने, इस लैके कुछ सर इन्ह दिन कुछ एक्स्ट्रा बंदे बिठाओगे जो कंप्लेन सेंटर? असी 4,500 कंप्लेंट हैंडलिंग बाइक्स दे के बंदे नू रिक्रूट किया इस सीजन दे विच। एक तो ये किया, 19-12 दे विच भी कंप्लेंट सेंटर दे विच भी पहले 40 सीट सी कुछ जगह, वो 60 सीट भी इंक्रीज किया। ये मेन प्रॉब्लम ये इस करके आया, वर्क टू रूल एजिटेशन साढ़े मुलाजम ने कुछ यूनियंस ने शुरू किया, कुछ एसोसिएशंस ने, वो मेरे ख्याल से कल असी रिजॉल्व किया। कल शाम से दे स्टार्टेड अटेंडिंग द कंप्लेंट्स, एंड जिन्हें भी कंप्लेंट्स हैं वो टाइम बाउंड मैनर में। आज तो कोई लोगों को मैं यही एक्सपेक्ट करता कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नहीं, कोई कट दा कोई नहीं है जी, कोई हमारे कोई सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ट्रक आके कोई पोल नो डैमेज कर दिया, कोई हनेरी आके दरख्त कोई पोल पे गिर गया, उस तरह का सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज सप्लाई वाइज कोई भी पावर कट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। किसानों ने कल रात ये है कि पूरे 8 घंटे दिता, एक आधा जगह हो सकता है कि कुछ कारण करके 7 घंटे 7.5 घंटे दिता होगा, पर हमारा कोशिश यही है कि 8 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड बिजली किसानों को दे देता जाए। थैंक यू जी।